गुमला जिले को खेलों का नगरी कहा जाता है। गुमला जिला का इतिहास खेल के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ कहा जाता है यहाँ से बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी निकले हैं जो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल प्लेयर भी बन चुके हैं। फुटबॉल हॉकी में यहाँ के काफ़ी खिलाड़ियों ने अपना नाम रोशन किया है। यहाँ पूरी तरह से खेल की नगरी है, यहाँ अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा होते हैं। लेकिन भी यहाँ देखा जाता था कि यहाँ पर कोई ऐसा ढंग का स्टेडियम नहीं है जो नेशनल या इंटरनेशनल जो स्तर के हैं उस तरह का कोई स्टेडियम नहीं बना था, कोई ग्राउंड नहीं था। ऐसे में अभी गुमला में शुरुआत किया जा रहा है कि ग्राउंड बनाया जा रहा है, अल्बर्टेक का स्टेडियम जो है उसे बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग इसमें जो काम कर रहे हैं, जो लोग इसको स्थानीय लोग हैं और इसमें जो पदाधिकारी हैं उसे बात करेंगे कि अभी जो स्टेडियम बनाया जा रहा है कैसा बनाया जा रहा है और उसका उपयोग क्या होगा। बहुत ही खुशी की बात है, यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकल के अपना राज्य के लिए और अपना देश के लिए निकल चुके हैं। और पहले यहाँ ये स्टेडियम था, बहुत ही दयनीय स्थिति था, ये बन जा रहा हो बहुत खुशी की बात है। इसका लाभ मिलेगा, इसका लाभ यहाँ के खिलाड़ी को मिलेगा और ऐसे ये खेल नगरी के नाम से ही जाने जाता है। आप लोग बहुत दिन से चाह रहे थे, हम लोग का भी मांग था कि यहाँ स्टेडियम बहुत ही अच्छे बने, अब बन रहा है। रामलखन साहू, इस साल बहुत ही रुचि रखते हुए खिलाड़ियों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि गुमला एक खिलाड़ियों का शहर हुआ करता है, इसको ध्यान में रखते हुए इस मैदान का कायाकल्प किया जा रहा है, जिसमें कि आने वाले दिनों बरसात के काफ़ी पानी जमा हो जाता था। अब ग्राउंड को सुचारू रूप से बनाया जा रहा है, जिसमें इंटर ये नाली दिया जा रहा है जिसमें पानी बाहर निकल जा सके, कीचड़ नहीं हो, पानी जमाव नहीं हो, खिलाड़ी अपने ढंग से अच्छा प्रदर्शन कर सके। यानी खेल मैदान पूरी बेहतर तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। क्या क्या होना है अभी? ये ग्राउंड बनाया जा रहा है, इसमें इंटर नाली है, आउटर नाली है, प्लीज एथलीट लोगों के तोड़ने के लिए वो बाहर से वो बनाया जा रहा है, वो ट्रैक बनाया जा रहा है जिसमें वो अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर सके। आने वाले कुछ दिनों में बरसात भी हुई, 5-6 बरसात आ चुकी है, लेकिन स्टेडियम सुचारू रूप से बहुत ढंग से अच्छे से पानी का बहाव हो रहा है, बहुत अच्छे से यह अभी ग्रासिंग भी इसमें लगाया गया है, जो ग्रास उगेगा अभी इसमें, यह बहुत अच्छा है खेलने के लिए, सुचारू रूप से बहुत बढ़िया स्टेडियम का लगेगा। कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? इसमें और 15-20 दिन का समय लगेगा। क्या नाम है आपका? नाम हरजीत सिंह। जैसा कि आप पूर्व से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे विभिन्न खेल योजनाओं का मतलब ये किया गया है और इस ग्राउंड से हमारे सुबर्तो कप में 2 साल कंटिन्यू आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की बालिकाएं गुमला जिला ही नहीं झारखंड का नाम रोशन किए हैं। उसी के तहत हम जब यहाँ पे पदस्थापित हुए तो देखे कि ग्राउंड की जो POP है, फील्ड ऑफ प्लेइंग एरिया जो है, उसमें तो मतलब पत्थर ये था, पानी जमा हो जाती थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उपायुक्त महोदय को मतलब जब इनके बारे में बताया गया तो उनके निर्देश के आलोक में ये DPR तैयार किया गया है। और ताकि ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं अभी, बच्चों को किसी प्रकार से चोट नहीं आए, क्योंकि फुटबॉल में अधिकतर नी इंजरी, एंकल इंजरी होता है, तो जो मिट्टी की मतलब समतल होनी चाहिए और जो नमी होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए ये नाली ड्रेन का सिस्टम आप जो देख रहे हैं अभी, मिट्टी पूरा जो भराई की गई है, ये अभी हम लोग पूरा तत्पर होकर काम करवा रहे हैं ताकि अच्छे खिलाड़ियों को और आगे बढ़ने के लिए अच्छा ग्राउंड मिल सके। अभी तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितने उच्च स्तर की प्रतियोगिताएँ हो सके वो हो, और अभी हमारा खास करके यहाँ पे राज्य स्तरीय तक प्रतियोगिता की आयोजन की जा सकती है। क्या नाम है सर? जिला खेल पदाधिकारी मनोज कुमार। हम लोगों ने बात किया, यहाँ जो काम करा रहे कॉन्ट्रैक्टर से भी बात की, उसके अलावा स्थानीय लोगों से भी बात किया, खेल पदाधिकारी मनोज कुमार से भी बात किया। यहाँ पर जो अभी स्टेडियम बन रहा है, अल्बर्टेक का स्टेडियम, काफ़ी बेहतरीन स्टेडियम बनाया जा रहा है, पूरी तरह से इसमें जो पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है, स्टेडियम में काफ़ी मिट्टी भरा गया है, पानी निकालने के लिए नालियाँ बनी जा रही है, बहुत अच्छे क्वालिटी के यहाँ के घास के बीज डाले गए हैं ताकि उसमें जो घास उगे उससे खिलाड़ियों को खेलने में या जो स्पोर्ट के एक्टिविटी करने में उसमें काफ़ी मदद मिले। यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि गुमला में एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी ग्राउंड या स्टेडियम नहीं था,
जिसको बनाने के लिए हुए संकल्प है और इसी के प्रयास में ये बनाया जा रहा है। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि गुमला के पास एक बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम होगा जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम माना जाएगा। और वहाँ पर जो खिलाड़ी आएंगे उन्हें वही फीलिंग होगी, वही अनुभव होगा जो अगर वो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं तो उन्हें जिस तरह ग्राउंड या माहौल मिलता है उसी तरह का यहाँ देखने मिलेगा। ये गुमला जैसे शहर में एक पहला कदम है और गुमला जो कभी खेल महाशक्ति के रूप में जाना जाता था, उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में भी फिर से गुमला एक बार खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा और यहाँ के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गुमला से अमित राज।